लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के सरल मिलनसार व्यक्तित्व होने एवं एक जमीनी कार्यकर्ता होने की वजह से उनको जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। राजेंद्र साहू को लोकसभा की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं के साथ अब आम जनता भी उनके साथ आ रही है। राजेंद्र साहू ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में महंगाई कम करने का वादा किया था। विधानसभा चुनाव में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन आज भाजपा अपने वायदे से मुकर गई। तो बताएं किस तरह का सघन जनसंपर्क आपका जारी है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में लग गए हैं और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की विजय होगी। और भाजपा ने जो हथकंडा अपनाया, लगातार कांग्रेसियों पर, वरिष्ठों पर कार्रवाई पे करके उन पर झूठे जो प्रत्यारोप का दौर जारी, उससे क्या लगता है किस तरह का चुनाव पे असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में जनहित के ऐसे कोई भी काम नहीं किए हैं जिससे वो जनता के बीच जा सके, इसलिए वो विपक्षी दलों पर आरोप लगाकर बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी बात रखते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, जिसको देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आपके सामने में पूर्व मुख्यमंत्री के रिलेशन में ही है, कहना चाहिए अभी जो सांसद है वर्तमान में, उनसे टक्कर है, क्या मानते हैं इस टक्कर? सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के रिलेशन में दूर से है, पहली बात। दूसरी बात, टक्कर की बात ही नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है और जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे भरपूर मिल रहा है। धर्म का मुद्दा भाजपा ने बहुत भुनाया है, लोगों पे इसकी छाप भी पड़ी, इसको किस नज़र से देखते हैं? हम लोग भी भगवान राम के मानने वाले हैं और भगवान राम हम सब के हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, और हिंदुस्तान सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्मों का देश है। यहाँ सभी एक दूसरे से मिलकर अपने अपने काम में रहते हैं और देश को, विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। लोगों का जो जनसंपर्क आप जुटाने निकल रहे हैं, तो कैसा प्रतिसाद कैसा मिल रहा है लोगों को? मैंने बताया है ना, भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद, एक अलग ही उत्साह है जनता में। विधानसभा चुनाव में जो एक इस तरह की पटकनी खाई थी कांग्रेस, सभी को ये कयास लगाए थे और सभी का ये था भूपेश सरकार रिपीट होगी, लेकिन हुआ विपरीत। इस बार में कैसा देखते हैं इसको, क्या सा मानते हैं, क्योंकि लोग ईवीएम को ही इसका खेल मान रहे हैं, कांग्रेसी लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। पहले मैं बता देता हूँ, परिस्थितियाँ बदल चुकी है, अब जनता समझ गई है कि उन्होंने जो चुनाव में हुआ उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है, चाहे भूमिहीन श्रमिक हो, उनका जो 7,000 रुपये मिलता था वो बंद हो गया, बेरोजगारी भत्ता जो 2,500 मिलता था वो बंद हो गया, राशन जो प्रति परिवार 35 किलो मिलता था उसको घटाकर प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिया गया है, गोबर खरीदी बंद हो गई, और जो हमारे फसल, सब्जी की फसल, फल का फसल और कपास, गन्ना, मक्का सहित अन्य फसल लेने वाले को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलता था वो भी बंद हो गए, व्यापम और PSC सहित नौकरी की जो भर्ती होती है उसमें निःशुल्क परीक्षा होती थी, अब परीक्षा में भी शुल्क लिए जा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था उसमें अब प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, ये सब जनता समझ रही है, जनता जान रही है। बिजली बिल में बढ़ोतरी, रजिस्ट्री के जो गाइडलाइन में 30% की छूट थी और 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कभी उसको बढ़ाया नहीं जनता को सुविधा देने के लिए, अब 30% को बढ़ा दिया गया और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में और बढ़ाएंगे। इसको जनता जान गई है कि कांग्रेस जो है जनता के हित में काम करती है और भाजपा जो है
जनता का अहित करती है, जनता को मिलने वाले सुविधाओं पे लगातार रोक लगाती है। एक सवाल पूछो सर, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कई टिप्पणियां की हैं, कितना नुकसान होगा बीजेपी को, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वॉशिंग मशीन मानते हैं, धुलाई मशीन। बहुत से ऐसे नेता हैं जिन पे वो आरोप लगाती है, ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरआई का छापा मरवाती है, बाद में उनको अपने पार्टी में लेती है। वैसे इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जो है उसमें जो दवाई कंपनी है या गौ मांस का निर्यात करने वाले हैं या और अन्य हैं उनसे चंदा लिए हैं, और पहले तो जो चंदा देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो उनके यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा मरवाओ और चंदा लो और बाद में फिर उसको बाइज्जत बरी कर। ये भाजपा का चेहरा जो है बेनकाब हो गया है, जो कथनी और करनी में फर्क है। इसी के दर्शकों से क्या कहना चाहिए? सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे छोटे से अदने से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है लोकसभा क्षेत्र का। इसके लिए आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाले जो चुनाव 7 मई को होंगे उसमें आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और आप सब मुझे वोट देकर और दिलवा कर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। दो कबूतर उड़ाए, दो कबूतर उड़ाए।